तो गाइस मैं आ गया हूँ फिर से अपना काम धाम छोड़ के आपके लिए नया वीडियो लेके। तो आज नवंबर का 2 तारीख है, स्कूल से आया था और बहुत नींद आ रहा था। मैं सोने के लिए गया ही था बिस्तर पे और फिर भैया ने फ़ोन किया, बोला कि मेरा एक पुराना सा साइकिल है तो वो भैया को लेना है, क्योंकि भैया अभी घर में रह रहे के मतलब उसे मोटे हो रहे हैं ना, तो वो अभी जो ऑफिस जाएंगे तो साइकिल चला के जाएंगे, मेरा पुराना वाला जो ख़राब हो चुका है तो वो अभी ठीक करने देने जाना है, तो वो देने जाते हैं। आप लोग देखते रहिए। देखो फुल कम्बल वम्बल लेके इधर सो गया था, तभी भैया ने फ़ोन किया, बोला कि चलो अभी क्या कर सकते, जाना पड़ेगा। तो जो साइकिल है बहुत दिनों से कोपचे में पड़ा है, तो अभी देखते हैं उसको थोड़ा निकालते भैया आते आते और फिर लेके जाएंगे उसको। तो ये हम लोग का पुराना किचन है और इधर से वहाँ पे कहीं पे साइकिल रखा है, तो कूद जाओ क्या, कूद जाता हूँ। अभी सिर्फ 5 बजे और अभी से अंधेरा हो गया है गाइस, अभी दिन छोटा हो गया है, बहुत जल्दी शाम हो जाता है मतलब अंधेरा हो जाता है। तो यार पहले तो इस टाइम में छत पे जाता था, अब इन्जॉय करता था, अभी तो अंधेरा ही हो जाता है, क्या फ़ायदा। तो ये रहा पड़ा है इधर पे साइकिल, तो ये वाला मेरा बहुत पहले का है, ये बहुत पुराना वाला साइकिल है, और ये है मेरा मतलब कुछ ही साल पुराना है, 3-4 साल पुराना है, तो ये वाला ठीक कराने देना है। पता नहीं क्या क्या हो गया इधर में, टायर वायर सब ख़राब हो गया शायद। तो ये साइकिल अभी निकाल रहे हैं और जल्दी से स्कूटी पे चलाते हैं और फिर ठीक करने लेके जाते हैं। अब चला के जाओगे ये वाला साइकिल, चला के जाओगे? हेलमेट पहन के साइकिल चला रहा है, पूरा पेट कम जाएगा ना, अभी भर गए पूरा पेट। तो गाइस अभी मैं चलाऊंगा स्कूटी और भैया बैठेंगे पीछे पकड़ के, क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम होगा और पीछे वैसे भी छोटा है, बैठने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए भैया पकड़ेंगे, मैं चलाऊंगा, ठीक है ना। तो अभी इधर पर साइकिल ठीक करने के लिए हम लोग आ गए और यहाँ पे क्या नाम है इसका, सेन साइकिल स्टोर। तो देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है इसको ठीक करने में, सिर्फ पता है मेरे को पता नहीं पंचर वंक्चर हुआ कि नहीं है, बाकी ब्रेक तो पूरा ही ख़राब है ना, पूरा ख़त्म, ब्रेक ख़त्म। अभी टायर का पता नहीं, टायर अभी शायद पंचर हुआ होगा, नहीं तो लगाना पड़ेगा नया ट्यूब लगाना पड़ेगा। तो अभी फिर से घर आए थे और अभी कुछ ऐसे मतलब सामान है जो भैया के घर मेरे को भैया के साथ जाके रखवाना है, तो वो रखवाने जाता हूँ अभी और फिर बाकी का देखते हैं आगे क्या करते हैं, क्योंकि ये एक रेगुलर ब्लॉग है। अब मेरे को पता नहीं, मैंने अभी कुछ प्लान करके नहीं रखा कि ये करने वाला हो या फिर वो करने वाला, जो होगा वो आप लोग को देखने मिलेगा। तो ये बस्ता लेके जाना है और ये एक रॉड है, रॉड नहीं भाई ये पाइप है, भारी है भाई, इसको लेके जाना है, चलो ना। तो गाइस काली पूजा तो अभी लग रहा है ना, ये लाइटिंग वाइटिंग सब जगह दिखता है एकदम बढ़िया। सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कदी, झूठे वादे सही दिल से निभाना कदी, लंबी रात सही ख्वाब तो दिखाना कदी, मैं हूँ तारा तेरा चांद बन जाना कदी, परदेसी तेनो जरा जिस्म का शौक नहीं। तो अभी पहुंच गए हम लोग और भैया के घर, अभी ये सब रखना पड़ेगा, एक हाथ से ब्लॉक करा था, एक हाथ में इतना भारी रॉड पकड़ा हुआ था, अभी भी मेरे पास ही है, तो एक बार अंदर रख लो फिर बताता हूँ। चलो भाई अभी लाइट भी आ गया। तो ये वाला बैग और इतना भारी रॉड भाई साहब, ये अभी रखवा दिया इधर पे और फिर अभी चलते हैं घर, देखते हैं बाद में क्या होता है। तो गाइस मैं अभी अपने फ्रेंड के साथ हूँ और कल जैसे आप लोग को पता है कि मैं अपना फेवरेट वाला मोमो नहीं खा पाया था, तो आज हम लोग जा रहे हैं वही खाने। तो देखो गाइस कितना मस्त व्यू है, तो अभी ऑर्डर दिया है हम लोग को, अपना बन रहा है और ये गाइस आ चुका है अपना मलाई मोमो, अभी खाते हैं फटाफट। तो गाइस अभी मोमो तो खा लिए, अभी फटाफट से घर चलते हैं, लेट हो गया बहुत। तो गाइस मस्त एकदम मोमो खा के अभी घर पहुंच चुके हैं, अभी बजा है 8 बज गया रात का और फिर 8:30 बजे मेरा ट्यूशन भी, और फिर मुझे ट्यूशन भी जाना पड़ेगा और फिर ट्यूशन से आके मेरे को ये वाला ब्लॉग एडिट करना पड़ेगा और फिर थोड़ा काम भी है। तो इस ब्लॉग को ये भी समाप्त करते हैं, तो आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय।